नमस्कार। पाकिस्तान में एक एक करके अननोन गनमैन निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उन लोगों को जो कि देश के दुश्मन है, मतलब हमारे देश के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं। और इन पर कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की वो नंबर वन एजेंसी या लंबर वन एजेंसी जो बोलिए, वो कुछ काम कर नहीं पा रही। उसे पता तक नहीं चल रहा कि कौन मर गया। ब्लेम इंडिया पे लगाया जाएगा आज नहीं तो कल, अभी तक नहीं लगा पाई है। ये भी हमारे पास कोई खबर नहीं है ऐसे कि लगाने जा रही है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनको कौन मार रहा है हमें नहीं पता। जो भी मार रहा है काम बड़ा अच्छा कर रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर जी। उदय शंकर जी कॉलमिस्ट हैं और कई न्यूज़पेपर्स में इंटरनेशनल अफेयर्स पे टॉपिक्स पर ही लिखते हैं। महाभारत पर इन्होंने किताब भी लिखी है, जैसे दो किताबें लिखी हैं, एक स्पेसिफिकली महाभारत पर लिखी है। उदय जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उदय शंकर जी, ये जो पूरा गेम है, कौन निपटा रहा है इन लोगों को और ये देश की कितनी बड़ी सेवा, मतलब क्या इसके पीछे इंडिया का हाथ है? नमस्कार शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे आपके जो चैनल्स में इनवाइट किया है। और जी रही बात, आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ यू नो अ मेटाफोर रिगार्डिंग द क्वेश्चन जो है टेररिस्ट के बारे में। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा होता है कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो द बोलर बोल्स अ बॉल वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, और उससे क्या होता है कि वो बाउंड्री लाइन को चले जाता है एंड द टीम गेट्स 5 रन्स, एक बाउंड्री और एक वाइड। सो दे से दैट इट डज नॉट मैटर हाउ द रन्स कम, राइट, एज लॉन्ग एज दे आर एडिंग इन टू द टोटल। बस यही एनालॉजी मैं ये टेररिस्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। इट डज नॉट मैटर वो कैसे मरे, कौन उनको मारा, किस तरह मारा, राइट, लेकिन बात यह है क्या अहमियत रखती है कि ये लोग मर गए, 72 हूरों के पास ये चले गए, दिस पीपल। अब देखिए, वी कैन ओनली यू नो थिंक अलाउड ऑन सर्टन थियरीज, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि देर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस एज टू हु इज बिहाइंड दिस। सो वन ऑफ द थियरीज दैट आई कुड थिंक ऑफ इज दैट दे हैव फॉलन फाउल ऑफ द ISI। एक जमाना था जब ये ISI के पास इतने पैसे थे, आपको याद होगा जब जो अमेरिकन्स आए, फिर वो अफगानिस्तान में जो एक्शन था और उसके लिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ये पाकिस्तानियों को। तो वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थोड़े तो जनरल्स के जेब में गए और बाकी जो बचा था ये लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए दे हैड एलोकेटेड दीज फंड्स, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 3.65 मिलियन डॉलर्स तक वो खर्च कर रहे थे फॉर ट्रेनिंग दिस टेररिस्ट एंड यू नो प्रिपेयरिंग देम फॉर जिहाद इन कश्मीर। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जमाने में वो ठीक था, क्योंकि ये जो उनके जो सिपहसालार है देवर क्रॉसिंग LOC और गड़बड़ कर रहे थे, मार रहे थे हमारे लोगों को। अब क्या हुआ है, हालात कुछ बदल गए हैं पाकिस्तान, और वन ऑफ द रीजंस आई थिंक इज दैट उनके पास अब पैसे नहीं है शर्मा जी, राइट, टू ट्रेन दीज पीपल। तो एक जमाने में ये जो एसेट्स थे उनके, यू नो दीज वर देयर एसेट्स, अब क्या हो गया कि दिस इज बिकम डेड इन्वेस्टमेंट फॉर देम। और दूसरी बात यह है कि ये ISI डरता है कि कहीं ये लोग राज न खोले। तो वन ऑफ द रीजंस इज दैट द ISI देमसेल्व्स आर यू नो सिस्टमैटिकली एलिमिनेटिंग दीज सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। इसकी और एक वजह है शर्मा जी, वजह यह है कि FATF में जो है इनका जो है काउंटर बहुत बार आ चुका है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, और वहां भी वो बार बार बोल रहे हैं कि देखिए इतने लोगों को आप पाल रहे हैं, योर पाकिस्तान हैज बिकम अ हब फॉर टेररिज्म ऑफ ऑल ह्यूज, यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। तो वन हाइपोथेसिस दैट आई कैन थिंक इज दैट अब क्या है, ISI
नजरिया से, यू नो आईएसआई की जो जो नजरिया से, ये लोग दे हैव बिकम एक बोझ हो गए हैं, दे हैव बिकम एक्सेस बैगेज। और क्यों हो गए हैं मैं बताता हूं। अब इनका एलओसी जो पार करके आ रहे थे वो मोर और लेस दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, ऑल बेसिस हैव बीन कवर्ड थैंक्स टू मोदी जी एंड यू नो हिज डायनेमिक टीम। तो उनका जो दबदबा अब कम हो गया है और इनको काम नहीं है, और ऊपर से एफएटीएफ की जो प्रेशर आ रही है कि इनको रेन इन दीज पर्टिकुलर टेररिस्ट, और इसके वजह से आई हैव अ फीलिंग द हाइपोथेसिस नंबर वन कि ये जो न्यूसेंस वैल्यू ये हटाने की कोशिश कर रहा है ये लोग, ये आईएसआई, एंड दैट इज व्हाई मे बी दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन गेटिंग रिड ऑफ दीज पीपल। ये एक हाइपोथेसिस है, राइट। दूसरी हाइपोथेसिस ये है, एंड इट इज ऑफ कोर्स ए स्लाइटली फार फेच्ड वन, बट आई थिंक स्टिल वी विल डिस्कस दिस थिंग, दैट देर आर मेनी पीपल इन पाकिस्तान हु आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी, मर्सिनरीज। और मैं समझता हूं कि जो हमारे जो एजेंसीज है दे हैव कॉन्टेक्टेड द मर्सिनरीज और उनको बेतहाशा पैसे दिए हैं, बेतहाशा, एंड द अमाउंट ऑफ मनी दे के नॉट रिफ्यूज एट ऑल। इसलिए आप अगर आप यू नो फॉलो कर रहे तो क्लोज आई थिंक इस दिस ये साल में कम से कम 21 टेररिस्ट हैव बीन एलिमिनेटेड, 21 टेररिस्ट। और देखिए उसकी जो मोडस ऑपरेंटी, देखिए शर्मा जी, अब देखिए मैं इतना जो मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ तो थोड़ा थोड़ा वो कवर करता हूँ उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेट द लोकेशन ऑफ द पर्सन, कहाँ है ये, उसके बाद में उस पर्सन की जो हिस्ट्री जो है ये कब इन्वॉल्व हुआ था 2008 के मुंबई ब्लास्ट में, इसकी रोल क्या थी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली यू नो चार पाँच साल पहले यानी कि 2015, 2018, 2020 में ये कितने एंटी इंडियन एक्टिविटीज ये किया है। तो एंटायर डेटाबेस हैज बीन फेड टू दीज गाइस मर्सिनरीज, राइट। और यहाँ तक के आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट दैट उनकी लोकेशन तक ये दे रहे हैं एजेंसीज। तो बनाया आ गया ना, आई मीन द फूड इज सर्व हॉट ऑन द प्लेट। तो इसलिए ये बेझिझक मार रहे हैं कहां भी जो, आई मीन वेयर एवर दे आर फाइंडिंग दिस टेररिस्ट, इतने इतने सारे पैसे मिल रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है, जीपीएस लोकेशन एड्रेस। तो वन ऑफ द रीजंस द टेररिस्ट आर डाइंग इज दैट दे आर ऑल्सो बींग कट डाउन बाय मर्सिनरीज, ऑर्डिनरी पीपल, बेनाम, अनहर्ड ऑफ मर्सिनरीज, ये हो सकता है। और तीसरी हाइपोथेसिस ये है शर्मा जी, आई मीन मे बी इट माइट बी फार फेच्ड बट आई थिंक देर इज ऑल्सो अ स्कोप फॉर दिस। अब देखिए जब 2021 में अफगानिस्तान से ये अमेरिकन चले गए तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र असला सब छोड़ के गए, राइट। एंड साथ ही साथ जो टीटीपी के जो लोग थे जेल में सब रिहा हो गए, एंड दे केम टू अफगानिस्तान, आई मीन ऑफ कोर्स दे वर इन काबुल जेल्स, एंड देन वहां से वो उनकी जो ओरिजिनल एक्टिविटी शुरू कर दी है, यानी के सपोर्टिंग टीटीपी इन पाकिस्तान। अब टीटीपी का एक ही मकसद है कि दे वांट टू कैप्चर पाकिस्तान एंड दे वांट टू एस्टैब्लिश अ कैलिफेट। एंड जैसे आप जानते हैं अफगानिस्तान से बड़ी फंडिंग मिल रही है ये टीटीपी को। तो मैं यह समझता हूं कि टीटीपी हैज लार्जर डिजाइन्स ऑन पाकिस्तान, और उनको ये लग रहा है कि ये जो एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे जो तंजीम है दे आर लाइक मस्कीटोस, मच्छर, राइट, लेट अस गेट रिड ऑफ दोज गाइस, राइट, सो दैट हमारा जो है रास्ता फिर आसान हो जाएगा।
तीसरी फोर्थ हाइपोथेसिस मैं बोल रहा हूं के वी कैन ऑल्सो लुक एट BLA एंड दिस सिंधु देश आर्मी करके एक है. इनफैक्ट वन ऑफ द टेररिस्ट हु वाज किल्ड द सिंधु देश आर्मी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. अब TTP लोग, गोइंग बैक टू TTP, मैं समझता हूँ कि TTP लोग इसलिए इसको साफ कर रहे हैं ताकि यू नो देयर वॉक फ्रॉम काबुल इनटू पाकिस्तान विल बी एज स्मूथ एज पॉसिबल. एंड लेट मी टेल यू व्हाई दे आर फॉलिंग इजी टारगेट्स. एक तो पैसा नहीं है ये टेररिस्ट ग्रुप राइट LET और जो जैश मोहम्मद जैसे, पैसा नहीं है, नो फंडिंग. एक जमाने में था पैसा लेकिन वो खत्म हो गया. वो कहते ना आए दिन बाहर के, वो खत्म हो गया राइट. अब क्या है, दे आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज नोबडी, नो मनी एक राइट, एंड देयर इज नोबडी टू डिफेंड देम आल्सो. फिफ्थ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ शर्मा जी के, सी देयर इज ए स्ट्रेंज नेक्सस between religion and terrorism in Pakistan. Right. तो एक जमाने में ये जो terrorists थे, ये जो JEM और से LET, हर एक तंजीम का किसी न किसी मस्जिद से या मसाजिद से उनकी जो connection थी, right? Then it was always there. That is the reason why if you see जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज में जो टेररिस्ट जो आक्रांता थे, यू नो दे वेर फाउंड प्रैक्टिसिंग इन मस्जिद्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, लाहौर से लेके, रावलपिंडी से लेके, इस्लामाबाद से लेके, दे वेर प्रैक्टिसिंग, यू नो. तो अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन एज आई टोल्ड यू दिस इज माई हाइपोथिसिस दैट the government of India, it was very, very easy for them to target these Maulvis and Maulanas. और मैं ये भी समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, अगर सांप को मारना है तो सर काटना है उसका, right? तो it is a well thought out strategy by the likes of Shri Ajit Doval. तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये leaders को जो है ना finish कर दिए, तो दैट विल यू नो सेट द कैट अमंग द पिजन्स. तो यही कर रहे हैं, इसलिए वो जितने भी मौलाना गिलाना हु हैड एनी कनेक्शन, वॉट एवर कनेक्शन, उनको जो है खत्म कर रहे हैं. दैट इज द स्ट्रेटजी. सो दैट एक बार वो जो रिलीजियस कनेक्शन खत्म कर दिए, दे विल बी सिटिंग इज आई मीन दे विल बी सिटिंग डक्स फॉर द यू नो द इंडियन गवर्नमेंट. तो ये मेरी एनालिसिस है सर. ये क्या क्या ये सारे लोग ऐसे ऑपरेट कर लेते हैं और पाकिस्तानी ISI को पता भी नहीं चलता? वेरी नाइस क्वेश्चन शर्मा जी. एक्चुअली बात ये है कि पाकिस्तानी ISI को मालूम है तीनों. अब देखिए 21 एलिमिनेशन हो चुके हैं ईयर 2023 में, कोई तारिक है या सादिक अली है, वो है, ये है. बट हियर द ISI हैज यू नो चोजन टू लुक द अदर वे, नजरअंदाज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं पहले बताया, दीज आर नाउ डेड, आई मीन दीज आर नाउ दीज वंस अपॉन अ टाइम दे वर वेरी रिसोर्सफुल एसेट्स, आज डेड इन्वेस्टमेंट, दे आर एक्सेस बैगेज. और दूसरी बात में आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, इतने सारे मर्डर्स हुए हैं शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक FIR दर्ज हुआ? सिंगल FIR? और आई मीन ऑलमोस्ट 8-9 months हो गए सर, राइट? इसका मतलब ये है, इट्स वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ISI को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? वो जो स्वर्ण युग चला गया, राइट, उनका वो जब थैली भर के पैसे, ट्रेनिंग कैंप्स, AK-47 से वो गया, राइट. तो बात ये है कि नाउ द ISI इज लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड,
एंड इन फैक्ट इफ यू रियली आस्क मी दे वांट देम टू डाई, ये एक हो सकता है, ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है। हो सकता है सही बात है, ये एक हाइपोथेसिस हो, और हो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को पता ही ना लग रहा हो और ये एलिमिनेट होते जा रहे हो, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, वी डोंट नो कि क्या है कैसा है। आपने बिल्कुल सही बोला कि डोवाल साहब की टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, मैं भी इस बात को मानता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।